यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल किसको मिलेगा मौका? संजू सैमसन की होगी वापसी, पहले टी20 इंटरनेशनल में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 9 जनवरी से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका दौरे पर दमदार प्रदर्शन करने लौटी भारतीय टीम के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली 1.5 साल बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में रंग जमाने को बेकरार हैं। वहीं अफगानिस्तान में टीम इंडिया को इस सीरीज में कड़ी टक्कर देना चाहेगी। यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल, अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए प्लेइंग 11 चुनना कप्तान रोहित शर्मा के लिए आसान काम नहीं होगा। मोहाली में होने वाले मुकाबले में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में से किसको टीम में जगह मिलेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। रोहित के साथ पारी का आगाज करने के ज्यादा चांस यशस्वी जायसवाल के नजर आ रहे हैं। हालांकि शुभमन गिल के होम ग्राउंड को देखते हुए टीम मैनेजमेंट उन्हें प्लेइंग 11 में मौका दे सकती है। संजू सैमसन की होगी वापसी, पहले टी20 मुकाबले में विकेट कीपर की भूमिका में संजू सैमसन नजर आ सकते हैं। संजू की काफी समय बाद टी20 टीम में वापसी हुई और वह हाथ इस मौके को भुनाना चाहेंगे। संजू को प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए कड़ी टक्कर जितेश शर्मा से मिल सकती है। जितेश ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी अब तक खेले मैचों में छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। कैसा होगा गेंदबाजी अटैक? अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम 3 गेंदबाज के साथ उतर सकती है। अर्शदीप सिंह फास्ट बॉलिंग की अगुवाई करते हुए नजर आ सकते हैं। अर्शदीप का साथ आवेश खान और मुकेश कुमार देते हुए दिखाई देंगे। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई में से किसी एक को मौका मिल सकता है। वहीं अक्षर पटेल दूसरे स्पिनर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।